आज एक नया फोन है हमारे पास एंड दैट इज दी Infinix Hot 8. कुछ ही महीनों पहले हमें Hot 7 मिला था, बट दी Hot 8 इज ऑलरेडी हियर एंड इस वीडियो में हम पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे. ऑफ कोर्स आप देखेंगे वो अनबॉक्सिंग, बट उसके बाद वील टेक अ क्विक लुक एट दी Infinix Hot 8 एंड मैं आपको बताऊंगा फोन को देखने के बाद कि क्या वो फोन अच्छा है, क्या चीजें उसमें बुरी हैं, एटलीस्ट इन माई फर्स्ट इंप्रेशन. सो बिना किसी देरी के चलते हैं इस वीडियो में. बट ऑफकोर्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बिकॉज वी आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड कि हम हर एक फोन का इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज के थ्रू पहुंचा सके. नाउ हमने अनबॉक्स कर दिया ऑफकोर्स फोन एंड हमारे पास हमारे हाथ में है Infinix Hot 8. सो लेट्स लुक एट द फोन. सो डिजाइन वाइज ऑफकोर्स दिस इज द ब्लू ब्लैक वेरियंट, समथिंग दैट वी सॉ विद द Vivo V11 Pro एज वेल. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Vivo V11 और Vivo V11 Pro एज अ कलर वेरियंट था, स्टारी नाइट था नाम उसका. सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट. इट्स अ ग्रेडियंट फिनिश. Infinix इज मेकिंग श्योर कि आज के ट्रेंड के हिसाब से वो लोग अपने फोन निकाले एंड यू कैन सी दैट gradient here. Now this is a polycarbonate body of course, but polycarbonate अच्छे से use किया गया यहाँ पे. The ergonomics on the back, curve है पीछे and उसकी वजह से phone थोड़ा और comfortable लगता है. Buttons right में है, power button and volume buttons दोनों right में, but what you'll notice is कि जो power button है उसके ऊपर एक proper texture है. तो जैसे ही मेरा finger power button के ऊपर जाता है, I can feel that texture and I know that this is the power button that I have my finger on. नीचे you have the micro USB port with a single speaker grill on the left and उसके right side में 3.5mm headphone jack है. एक चीज जो बहुत flagships में नहीं होता, but you glad that we have that here. यही है mainly design के लिए. पीछे आपको triple camera setup मिलेगा जो देख के quad camera setup लगता है, because Infinix ने बहुत ही smartly एक LED घुसा दिया बीच में, जिसकी वजह से 4 camera लगता है, but still looks good. We'll talk about the cameras later. And पीछे Infinix branding है and fingerprint scanner है. Now fingerprint scanner fast enough है, unlocking quickly enough. Infinix has always done that. And आपके पास face unlock भी है इस phone के अंदर, so you do not have to worry about any of it. And display में आपके पास एक 6.52 inch का display है. This is an HD+ display. So 1080p नहीं है डिस्प्ले, 720p प्लस है, बट फॉर दिस प्राइस आई थिंक द डिस्प्ले क्वालिटी इज वेरी गुड. Infinix फोन्स के डिस्प्लेज ओवर टाइम मैंने बहुत सारे फोन्स चेकआउट करे एंड द डिस्प्लेज हैव बीन गेटिंग बेटर एंड दिस टाइम इट्स नो डिफरेंट. एक बहुत ही हाई क्वालिटी का पैनल यूज किया गया है विद वेरी गुड वाइट पॉइंट, वेरी गुड ब्राइटनेस, नो कलर ब्लीडिंग और लाइट ब्लीडिंग इन एनी वे एज वेल. सो आई थिंक डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत अच्छा है फॉर द प्राइस दैट यू गेटिंग एंड यू गेटिंग अ फोन विद द नॉच, विद द स्मॉलर नॉच दिस टाइम. चिन थोड़ा सा बड़ा है, बट आई थिंक कंपेयर टू अदर फोन्स इन दिस प्राइस रेंज इट्स स्टिल अप देयर विद द कॉम्पिटिशन. डिस्प्ले के बाद अंदर चलते हैं, हमें क्या दिखता है. हमें अंदर मिलता है चीता XOS. सो दिस वाज हमिंगबर्ड बिफोर, नाउ इट्स कॉल्ड चीता. दिस वर्जन इज कॉल्ड चीता बिकॉज ऑफ स्पीड. सो Infinix ने बोला है कि हमने चीता इसलिए नाम डाला क्योंकि हमने स्पीड पे वर्क करा इस बार. सो इनसाइड दिस वेरिएंट दैट आई हैव राइट नाउ, यू गेट 4 GB ऑफ रैम, 64 GB स्टोरेज एंड यू हैव XOS चीता रनिंग ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड 9 Pie. नाउ एंड्रॉइड 9 Pie की वजह से ऑफकोर्स आपको जो फीचर्स मिलते हैं बैटरी सेविंग में, परमिशन में, एवरीथिंग इज हियर एंड यू हैव Infinix स्किन ऑन टॉप. इट्स एक्चुअली क्वाइट बेटर than a lot of other brand skins that there are. बहुत महंगे phones हैं और जिनके skins इतने अच्छे नहीं जितना Infinix का है. So Infinix has clearly worked on that. Design is something again that they do work on. But the one thing जिसके अंदर थोड़ी problem होती है and that is bloatware. बहुत सारे apps pre-installed आते हैं Infinix phone के अंदर. So आपको दिखेगा यहाँ पे Phoenix browser है, Dash gaming है, you have Palm Store, you have Fruit Frolic, you have a lot of different things. You have WhatsApp, Instagram and ये सब भी pre-installed आते हैं. Of course कुछ चीजें इसमें से useful हैं, so you don't have to download them when you open the phone. But बहुत सारी ऐसे आपसे जो आपको कभी शायद यूज में ना आए, बट दे स्टिल हियर ऑन द फोन. अब इसके अंदर आपको एक MediaTek का प्रोसेसर मिलता है अलोंग विद 4 GB ऑफ रैम एंड 64 GB स्टोरेज. सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट द फास्टेस्ट परफॉर्मर दैट यू कैन फाइंड, बट फॉर दिस प्राइस अगेन इट ऑलवेज कम्स डाउन टू प्राइस बिकॉज Infinix इज ट्राइंग टू डू दैट ऑफ कोर्स एट दिस प्राइस. एंड आपका परफॉर्मेंस विल बी प्रीटी गुड. ऑफ कोर्स उन्होंने सॉफ्टवेयर में भी इंप्रूवमेंट्स करे ताकि स्पीड हो एंड द ऑक्टोकोर चिपसेट विल मेक श्योर दैट आप गेम्स खेल सकते हो, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कर सकते हो एंड डे टू डे परफॉर्मेंस विल बी फेयरली स्मूथ. सो ऑन द बैक
there are three cameras, but the main camera here is a 13 megapixel sensor. So that is the standard camera जो आपको मिलता है इस फोन के साथ, and front में आपको मिलता है 8 megapixel का sensor. Now इससे standard camera से क्या photos आप click कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं photos जो हमने standard camera से लिए हैं from the front and the back camera both. अब camera specs of course आप on screen देख सकते हैं, but camera pictures के through ही बता सकते हैं कि camera कैसा है, and आप ये pictures देख सकते हैं जो हम अभी screen पे आपको दिखा रहे हैं, and you guys let me know comment section में कि आपको क्या लगता है कैसे हैं pictures, of course because this is the first impressions. हम लोग हमारे thoughts we'll reserve it till the full review if you want to see a full review, but तब तक you let me know what you think about the pictures in the comment section below. So आपको of course अंदर 5000 mAh का battery मिलता है, and with the fact a 6 watt charger inside the box, processor जो इतना power नहीं खींचता है, a display जो इतना power नहीं खींचता है, I think आपका experience with that 5000 mAh battery will be very good. Let's come to an end of this video. We still don't know the official pricing, which is why मैं exact price के बारे में नहीं बता सकता. I think this is a great पैकेज. लेट मी नो वॉट यू थिंक इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. और अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लगी, मे बी ये फोन अच्छा नहीं लगा, मे बी मैं अच्छा नहीं लगा, तो बता दो कॉमेंट सेक्शन में नीचे. बट विद दैट वी लीव इट टू इट. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, एंड मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ.